कला एक तकनीक है, माध्यम है, स्रोत है और जीवन को रंगीन बनाने के लिए कला एक नया रूप, आकार, रंग हमारे जीवन में प्रदर्शित करता। जब हमारे जीवन में कला का एक नया रूप, आकार, नई सोच, ये सब चीजें हमें देता है, तो हमें कला के माध्यम से जीने के तरीके बहुत सारे मिलते हैं और कला हमें हर चीज की जो परिभाषा है वो हमें सरल से सरल भाषा में समझा देती है। जैसे कि हमारा दुख, दर्द, खुशी और अंतिम यात्रा और समाचार, ये सब हमें कला के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं और कला के माध्यम से हमें इसकी व्याख्या भी हमें प्राप्त होती है। जब कला के माध्यम से ये सब चीजें हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती हैं और उनको एक नया रंग, रूप और आकार जब हम देते हैं तो उसे हम कितना सुंदर बनाते हैं और उस सुंदर रूप को, तो कला के जितने भी सुंदर रूप हैं जीवन में वो सब हम आपको व्याख्या के साथ में बताएंगे और उन तथ्यों के साथ में बताएंगे। और जो तथ्य हमारे कला के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान जो देते हैं और उस योगदान के माध्यम से हमारी चित्रकला यानी पेंटिंग को हम सुंदर रूप कैसे हम दे सकते हैं, तो आइए हम आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं कि कला के मुख्य तथ्यों पर। कला के छह मुख्य तत्व होते हैं, मुख्य, ठीक है, कला के छह मुख्य तत्व होते हैं, ठीक है। अब ये तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर पे आपका रेखा, ठीक है, रेखा, रेखा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइन, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे रूप या आकार, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम शेप या फॉर्म, ओके। थर्ड नंबर पे हम आते हैं रंग या वर्ड, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कलर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा तान, तान को अंग्रेजी में बोलते हैं टोन, नेक्स्ट आ जाइए फाइव नंबर पे पोत, पोत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्चर, ठीक है। सिक्स नंबर पे जो एलिमेंट है अंतराल, ठीक है, अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस, ठीक है। ये हमारे जो कला के मुख्य जो तत्व हैं वो छह तत्व हैं और इन छह तत्वों के माध्यम से हम चित्रकला को चित्रित करते हैं और चित्रित करने के बाद में हम इन छह तथ्यों की सहायता से हम उसे पूर्ण रूप से तैयार करते हैं और तैयार करने के साथ साथ में उसमें सुंदरता, भाव, लयात्मकता, कोमलता, ये सारे भाव हम उसमें प्रकट करते हैं। तो आइए आपको हम सबसे पहले हम लेकर चलते हैं रेखा, ठीक है, रेखा। तो यहां पे रेखा क्या है? रेखा एक बिंदु से
ठीक है, रेखा एक बिंदु से चलकर दूसरी बिंदु पर जब मिलती है उसे हम रेखा कहते हैं, ठीक है, रेखा कहते हैं। रेखा के माध्यम से हम, किसके माध्यम से, रेखा के माध्यम से हम चित्र को चित्रित करते हैं। आप देख लीजिए रेखाएं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, रेखाएं कई प्रकार की होती हैं। एक तो ये सरल रेखा हो गई आपकी, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपकी सरल रेखा हो गई, सेकंड नंबर पे आपकी समान रेखा हो गई, कौन सी रेखा हो गई, समान रेखा, ठीक है, ये आपकी समान रेखा हो गई। थर्ड नंबर पे आपकी ऊपर नीचे रेखा हो गई, ठीक है, ये रेखा जो हमारी हो गई ऊपर नीचे रेखा हो गई। अब हम फोर्थ नंबर पे लयात्मक रेखा, ठीक है, ये कौन सी रेखा है, लयात्मक रेखा, लयात्मक रेखा, पांचवें नंबर पे आपकी त्रिभुजाकार गोलाकार वर्गाकार आयताकार खड़ी रेखा, ये देखिए त्रिभुजाकार रेखा, कौन सी, त्रिभुजाकार रेखा, ठीक है, ये आपकी गोलाकार, कौन सी, गोलाकार, रेखा, ये आपकी वर्गाकार, वर्गाकार रेखा, ये आपकी आयताकार, रेखा, ये आपकी खड़ी रेखा, ठीक है। तो ये आपकी जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के माध्यम से चित्र में आपको सहायता लेनी पड़ेगी। जब चित्र आपको इनकी सहायता जब लेकर जब चित्र को पूर्ण रूप से चित्रित करेंगे तो ये रेखाओं को आपको देखना पड़ेगा और इन रेखाओं के माध्यम से हम चित्र को तैयार करते हैं। आप एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि आपको इन रेखाओं का मैंने पूर्ण रूप से व्याख्या देने जा रहे हैं और इन रेखाओं की किस किस जगह पे जरूरत पड़ती है और इन रेखाओं की जरूरत पड़ने के बाद में हमारा वो चित्र किस हिसाब से तैयार होता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको हम सबसे पहले बताएंगे कि रेखा का महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है,
रेखा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जब हम कोई कार्टून को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमने एक कार्टून को ड्रॉ किया और इसको ड्रॉ करने के बाद में देखिए किन किन रेखाओं की हमें जरूरत पड़ रही है। देखिए ये हमने जो चित्र को चित्रित किया है, ये कार्टून को मैंने ड्रॉ किया और इस कार्टून में कौन कौन सी रेखाओं की हमें सहायता लेनी पड़ी। अब देख लीजिए आपको एग्जाम्पल में हम बताने जा रहे हैं कि एग्जाम्पल में इन रेखाओं की हमें किस किस जगह पे जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये नाक पे हमें किस रेखा की जरूरत पड़ी, गोलाकार। किस रेखा की जरूरत पड़ी, गोलाकार रेखा की जरूरत पड़ी, ठीक है, ये गोलाकार रेखा। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, यहां पे कौन सी रेखा की जरूरत पड़ी, यहां पे आड़ी तिरछी, आड़ी और तिरछी रेखा की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, यहां पे कौन सी रेखा की जरूरत पड़ी, उलझी हुई रेखाओं की, उलझी रेखाओं की जरूरत पड़ी। यहां पे त्रिभुजाकार की भी जरूरत पड़ी, भुजा रेखा की जरूरत पड़ी, ठीक है, जरूरत पड़ी। और यहां पे कौन सी रेखा की जरूरत पड़ी, कर्व रेखा की, ठीक है। तो ये तो हमारी जो रेखाओं की जो चित्र में जो जरूरत जो पड़ी है, जहां जहां पे कौन सी रेखा की जरूरत पड़ी, किस माध्यम में पड़ी और किस चीज को हमको घुमाने की जरूरत पड़ गई। तो अब हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे चित्र को चित्रित करके मैंने बताया। अब हम आपको जो रेखाएं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, सर्किल फॉर्म में, आयताकार और इन सब चीजों को हम आपको किस हिसाब से जब हम चित्र को बनाते हैं तो उसका एक माध्यम क्या होता है, रखने का तरीका क्या होता है, वो भी आपको हम चित्र में एग्जाम्पल के तरीके से हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम त्रिभुजाकार, गोलाकार वर्गाकार आयताकार खड़ी लाइनें और 45 एंगल और आणी और तिरछी, इनकी किस हिसाब से जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल में हम आपको एक चित्र फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि जब हम, ये क्या है, ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है, ये किस सर्किल का फॉन्ट है, ये सर्किल आपका मैंने लिया, इस सर्किल को जब हमने लिया ये हमारा सर्किल तैयार हुआ, ठीक है। अब इस सर्किल में हम किस हिसाब से इन एलिमेंट्स को रखेंगे और इन एलिमेंट्स को रखने का तरीका क्या है और इन एलिमेंट्स को जब रखेंगे इसमें हम क्या क्या चीजें रखेंगे, मनुष्य का चेहरा बनाने के लिए
हमें कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ से उठाएंगे, उनको किस जगह पर रखेंगे, किस हिसाब से उनको कंपोज करेंगे, किस हिसाब से हम उसको ड्रॉ करेंगे और इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, इस गोला को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे आपको हम वन बाय वन करके दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट आपका ये हो गया, फर्स्ट आपका हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया, ठीक है। अब इन रेखाओं को बीच में हम एक डिवाइडेशन दे रहे हैं, पार्टीशन दे रहे हैं, ठीक है। इसे सर्कल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किसमें? खड़ी लाइन के माध्यम से हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन सी रेखा के माध्यम से? खड़ी रेखा के माध्यम से, खड़ी रेखा के माध्यम से हमने इसे दो भाग में बांट दिया, ठीक है। कितने भाग में बांट दिया? दो भाग में बांट दिया। अब इसे दो भाग में जब मैंने बांट दिया, अब देख लीजिए सबसे पहले हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा यहां पे चित्र को चित्रित करने के लिए। सबसे पहले हम इस लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे हमारी क्या जाएगी? एब्रो। क्या जाएगी? एब्रो। ये देखिए हमने एब्रो को बनाया। अब यहां पे एब्रो बीच में जो हमने एक खड़ी रेखा के माध्यम से इसे जब हमने बांटा है और उसी अनुपात में लेकर हमने एब्रो को हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया और सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड में हम करेंगे। इसे देखिए मैंने किया। अब यहां पर देखिए एक बॉक्स तैयार हमारा होगा आंख का। ये अगर देखा जाए ये हमारा आयताकार एक बॉक्स तैयार होगा और इस बॉक्स में हमने सर्किल से आंख को ड्रॉ किया। अब इसे हमने यहां पे इस माध्यम से मिला दिया और इस माध्यम से मिला दिया, ठीक है। ये हमारी एक आंख का आकार तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए हुआ। अब हम जाते हैं सेम दूसरे साइड में, सेम प्रोसेस हमारा यहां पे भी आयताकार का मैंने एक बॉक्स लिया। कौन सा बॉक्स लिया? आयताकार का। यहां पे हमारा आयताकार बॉक्स है, हमने यहां पे ये हमारा आयताकार का बॉक्स है, इस बॉक्स को लिया। यहां पे हमने बीचों बीच आई बॉल तैयार करी दी, आंख की बीच की पुतली जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आंख का पॉइंट, ये हमारा तैयार हुई आंख। अब देख लीजिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, कौन सा? ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। अब देख लीजिए कि हमारी आंख ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, देखिए ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही आ रही है, ये देखिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही तैयार हो रही है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमने नाक को तैयार किया, देखिए, ठीक है। ये आपकी नाक तैयार हो गई ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। अब आपका आता है लिप्स, ठीक है। लिप्स भी आपकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही आएगा। किस फॉर्म में? ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आएगा। यहां पे लिप्स भी आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आ गया, ये आपका लिप्स हो गया और ये नीचे आपका चिन्ह हो गया, ठीक है। अब ये तो आपके जो जो बॉक्स के अकॉर्डिंग, अब ये हमारा आयता के आकार में, सॉरी जो वर्गा आकार में, जो हमारा जो ये बॉक्स बना हुआ है ये हमारे वर्गा आकार में बॉक्स कहां पे यूज होगा?
ये हमारा यूज होगा, ये देखिए वर्गाकार का जो बॉक्स है हमारा, ये हमारा चिन्ह पर यूज होगा, यानी थोड़ी पर यूज होगा। ठीक है, जब हमारे ये थोड़ी पर यूज होगा, इसको देखिए थोड़ी पर मैंने यूज किया, अब देख लीजिए इसके बाल, बाल किस शेप में आएंगे, गोलाकार में आएंगे, खड़ी लाइन के आधार पे आएंगे, ये खड़ी और आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से आएंगे। तो ये हम सबसे पहले बाल का एक शेप तैयार कर लेते हैं और इसी के आधार पर आपका ये कान भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कान भी आएगा। सेम प्रोसेस दूसरे साइड में भी होगा। अब ये हमारा बाल तैयार होंगे, इसमें हम राउंड शेप में रेखाओं को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस ये हमारे इस चित्र में इन रेखाओं की हमने सहायता ली और इस चित्र में जो रेखाओं की जो सहायता ली है और चित्र को कितना सुंदर, कितना वो आपको बना रही है। अब देख लीजिए, ये देखिए हमारा चित्र एक सुंदर तरीके से तैयार हुआ। ठीक है, तो इस चित्र में हमने किसकी सहायता ली, किन किन माध्यम से ली, कौन कौन से एलिमेंट्स मैंने लिए, तो ये आपके सारे एलिमेंट्स यहां पर आपके मिल रहे हैं। ये देखिए रेखाओं का, कौन सी रेखाओं का, गोलाकार रेखाओं का, गोलाकार रेखाओं का प्रयोग किया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर हमने वर्गाकार और आयताकार रेखाओं की सहायता ली। ठीक है, यहां पर मैंने लिप्स में त्रिभुजाकार रेखाओं की सहायता ली, वैसे ही हमने इस चेहरे पर जो हमारे एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स का प्रयोग किया और एलिमेंट्स को प्रयोग करने के लिए हमने एक चेहरा को चित्रित किया। चित्रित करने के बाद में उन एलिमेंट्स को कहाँ कहाँ रखा, किस किस जगह पर रखा और कौन कौन से एलिमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारी नाक, त्रिभुजा का रेखा की सहायता ली। त्रिभुजा का रेखा की सहायता ली। तो ये तो हमारी रेखाओं के माध्यम से हमने एक चित्र को चित्रित किया। जब चित्र को चित्रित किया, इसकी सुंदरता एक हमें अलग प्रतीत हो रही है। जब हम इसमें रंग के अन्य सेट का मतलब जो मूल रंग है और उन मूल रंगों की सहायता से हम और अन्य सेट तैयार करेंगे, तो जब सेट तैयार करेंगे तो मूल रंग को आपस में जब मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद में जो चित्रित को मैंने चित्रित किया है इसमें रंग को भरेंगे, जब रंग को भरेंगे तो इसकी सुंदरता हमारी अलग दिखेगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी ये तो रेखा होगी, रेखा के माध्यम से हमने इस चित्र को चित्रित कर लिया।
चित्रित करने के बाद में अब हम आते हैं किस नंबर पे, जो हमारा एग्जांपल में हमने जो चित्र को चित्रित किया था, तो एग्जांपल में ले लीजिए, मैं आपको सारे एलिमेंट्स उसके एग्जांपल के तौर पे जो हमने आपको छह एलिमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया, और उन छह एलिमेंट्स हमारे किस किस जगह पे परफेक्ट बैठ रहे हैं उसका भी आप एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मैंने इस चित्र को चित्रित किया और चित्रित करने में हमने किन किन चीजों की सहायता ली है, अब इसमें आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एलिमेंट्स क्या आएगा, सबसे पहले हमारा एलिमेंट्स आएगा रेखा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, रेखा। अब सेकंड नंबर पे हमारा एलिमेंट्स जो है वो कौन सा, हमारा सेकंड नंबर पे एलिमेंट आएगा आकार, यानी रूप। आकार क्या है, ये आकार जो है ये मनुष्य का आकार है, किसका, मनुष्य का, मनुष्य का आकार है, रूप है, ठीक है। क्या है, मनुष्य का आकार और रूप है, ठीक है, ये किसका है, मनुष्य का आकार और रूप है। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा एलिमेंट आता है, थर्ड नंबर पे आपका एलिमेंट आता है रंग, रंग। तो रंग क्या है, रंग जो है हमारे जो रंगों की जो रंगतें हैं और उन रंगतों को चित्र में किस हिसाब से भरना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है वो भी देख लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे रंग। तो मैंने यहां पे ये देखिए चित्र में हम रंगों को अच्छे से भर रहे हैं। अब हम इसके पेंट में कौन सा कलर भरना है वो भी आप देख लीजिए, पेंट में हमने इसके डार्क कलर को फिल किया, कौन से कलर को, डार्क नीला कलर को मैंने फिल किया। ये देखिए बड़ी सुंदरता के साथ में हमने पेंट में रंग को भरा। अब हमने इसके शूज में कौन सा कलर भरना है, शूज में हमने इसके ब्लैक कलर को फिल किया, ठीक है, शूज में ब्लैक कलर को फिल कर दिया, फिल किया। अब हम इसको बॉडी में कौन सा कलर भरेंगे, बॉडी में देखिए ग्रे, हल्का सा ग्रे कलर फिल कर देंगे, देखिए फिल कर दिया। अब देखिए इनके फेस पे, फेस पे भी फिल कर दिया। अब इसको हम सुंदर तरीके से लाइनों के माध्यम से हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है, ये मूंछ का शेप और ये आपका और रेखाओं के माध्यम से इसे हम बोल्ड कर लेंगे और इसकी सुंदरता को आउटलाइनिंग करने के लिए ये देखिए आउटलाइनिंग कर दी, ठीक है। वैसे ही आप हर जगह पे कपड़े की फोल्ड
दिखाने के लिए डार्क लाइनों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो चीज हम दिखाएंगे। यहां पे हमने आपको रेखा के माध्यम से एक चित्र, सुंदर चित्र को यहां पे चित्र कर दी, को चित्रित कर दिया, ठीक है, चित्रित किया। और उस चित्र में हमने सुंदरता के साथ में रंगों को भर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो रंगों के माध्यम से हमने एक चित्र को चित्रित किया, रेखाओं का सारा लिया, रंग के हर प्रकार के सेट का सारा लिया, यहाँ पे रंग की जो लगाने का जो तरीका है वो तीन प्रकार के तरीके होते हैं। वो तीन प्रकार के तरीका कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। रंग के तीन प्रकार होते हैं लगाने के, ठीक है। तीन कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देख लीजिए। रंगों को लगाने के लिए तीन प्रकार आप देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रंग। अब इस रंग के तीन प्रकार कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा, पहले नंबर पे लाइट टोन, ठीक है। पहले नंबर पे आएगी आपकी लाइट टोन। जब लाइट टोन हम लगाएंगे तो हमारी लाइट टोन का इफेक्ट कुछ अलग देखेगा चित्र में। क्यों देखेगा? क्योंकि हम उसमें रंग की जो रंगत है वो हल्की हम लगाने जा रहे हैं। जो रंग की जो हल्की जो रंगत है उसे हम हल्का लगाएंगे। दूसरे नंबर पे आपका आता है लाइट टोन की थोड़ी सी डार्क टोन, यानी मिडिल टोन, ठीक है। कौन सी टोन? मिडिल टोन, ये हमारी मिडिल टोन है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड नंबर की जो टोन है वो हमारी थर्ड नंबर की टोन है वो डार्क टोन। कौन सी टोन? डार्क टोन। ये जो टोने हैं ये रेखाओं के माध्यम से और रंगों के माध्यम से किस जगह पे, किस रेखा के पास में लाइट हमें देना है, किस रेखा के पास में डार्क देना है, किस रेखा के पास में चित्र में हमें उसको फिनिशिंग के साथ में लाइट और डार्क का तीनों का इफेक्ट हमें देना है, शेडो के तरीके से देना है, वो हमने आपको चित्र में हमने बताया कि किस हिसाब से कहां पे लाइट और डार्क का इफेक्ट देना चाहिए। तो ये हमारी जो तीन प्रकार की जो रेखाएं हैं, कितने प्रकार की रेखाएं, जो तीन प्रकार की जो ये रेखाएं हैं और इन रेखाओं में ये रंगों का, तीन प्रकार के जो रंगों को लगाने का जो तरीका है वो आपको मैंने बता दिया, लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन, ठीक है। ये रेखा जब आप रेखा के माध्यम से जब आप चित्र को चित्रित करेंगे, फिर उसमें रेखा के माध्यम से रंगों को आप लगाएंगे, ठीक है। रंग हमें किस किस माध्यम में लगाना है, वो लाइट टोन के माध्यम में लगाना है, मिडिल टोन के माध्यम में लगाना है और डार्क टोन के माध्यम में लगाना है। अब हम आते हैं आपको, ये तो रंग के बारे में आपको बताया मैंने, रंग को तीन माध्यम में लगाया जाता है, और अब आपको टेक्सचर के बारे में। अब टेक्सचर क्या है, यानी पोत, ये कितने नंबर का एलिमेंट है? पांचवें नंबर पे एलिमेंट है। और ये पोत को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेक्सचर, ठीक है। पोत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? टेक्सचर किसी भी सतह या धरातल को हम टेक्सचर कहते हैं।
जैसे लकड़ी का टेक्सचर, लकड़ी का टेक्सचर क्या होता है कि लकड़ी के टेक्सचर में उबड़ खाबड़पन होता है और उसको दूर से ही पता चलता है कि इसमें इस लकड़ी के टेक्सचर में कितनी उबड़ खाबड़ है और कितनी काले रंग की इसमें प्रचुर मात्रा है और ब्राउन कलर की भी उसमें मात्रा इन्वॉल्व होती है। तो ये सब चीजें हम जब देखते हैं प्रकृति में तो उनके हमें टेक्सचर प्रतीत होते हैं। तो टेक्सचर आप लकड़ी का ले लिए, टेक्सचर आपका बालू का हो गया, पत्थर का हो गया और स्किन का हो गया, तो कई प्रकार के वो अलग अलग तरीके से जो टेक्सचर होते हैं, पानी का टेक्सचर अलग हो गया। जब हम पानी के टेक्सचर को देखते हैं, उसको एहसास करते हैं, तो वो हमें टेक्सचर प्रतीत होते हैं कि हमारी स्किन में किस हिसाब से टेक्सचर है, हमारे स्किन में छिद्र है, रोएं हैं, तो ये हमारे बॉडी में एक टेक्सचर होते हैं। ठीक है, ये टेक्सचर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन टेक्सचरों के माध्यम से जैसे कोई भी चित्र को हम बनाने जा रहे हैं या हम भित्ति चित्रण को तैयार करने जा रहे हैं या फिर हम शिला उत्कीर्ण को करने जा रहे हैं। शिला उत्कीर्ण क्या होता है कि शिला उत्कीर्ण पत्थर पे हमने कोई भी चीज को या डिजाइन को हमने उस पे छेनी और हथौड़े के माध्यम से उसे हमने निकाला, उसको नया एक आकार दिया, तो उसे शिला उत्कीर्ण को जब हमने नया आकार दिया वो किसके उस पे दिया, पत्थर के टेक्सचर पे दिया। वैसे ही हम लकड़ी के उस पे कोई भी चित्र को बना रहे हैं, लकड़ी के जैसे वुडन है, वुडन को हम जब कोई भी चित्र को वुडन पे जब बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कार्विंग। क्या बोलते हैं? कार्विंग बोलते हैं। जब हम लकड़ी पे चित्र को बनाएं या फिर उसमें हम कोई भी डिजाइन तैयार करते हैं या किसी की आकृति तैयार करते हैं तो उसे हम लकड़ी पे कार्विंग कहते हैं, पत्थर पे हम शिला उत्कीर्ण के लिए हम उसे शिला उत्कीर्ण कहते हैं और पत्थर पे जो मूर्ति बनती है तो वो उसे मूर्ति हम कहते हैं। तो यहां पर हर टेक्सचर जो है हमारे लिए तो वो किन किन रूपों में चित्र तैयार होते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट, ये हमारा जो है एक बॉक्स, यहां पे हमने एक कपड़े का टेक्सचर दिया। किसका टेक्सचर दिया? कपड़े का टेक्सचर दिया, कपड़े में बहुत पास पास में ये हमने कपड़ा का टेक्सचर दिया। ठीक है, किसका दिया? कपड़े का टेक्सचर दिया। यहीं पे आप देख लीजिए दूसरे नंबर पे ये मान लीजिए पत्थर है, पत्थर का टेक्सचर दिया। ठीक है, तो ये पत्थर के टेक्सचर में आपने कोई भी शिला उत्कीर्ण की या मूर्ति बनाई, ये पत्थर का एक आपका टेक्सचर हो गया, ये पत्थर मैंने बना दिया। अब थर्ड नंबर पे हम आपको कैनवास का टेक्सचर, कैनवास का टेक्सचर जो होता है कुछ बड़े दानों में होता है। ठीक है, कैनवास का टेक्सचर सेम कपड़े के टेक्सचर के आधार पर होता है। सेम कपड़े की तरह होता है बट इसमें जो धागा जो प्रयोग किया जाता है कैनवास पे वो मोटा धागा किया जाता है। ये हमारा कैनवास का टेक्सचर। ठीक है, ये हमारा कैनवास का टेक्सचर हो गया। अब हम नेक्स्ट यहां पे चौथे नंबर पे ये एक दीवार। ठीक है, ये दीवार है, दीवार का जो टेक्सचर होता है
श्याम ग्रे कलर का होता है, ठीक है, इसमें बालों के टेक्सचर मिले होते हैं, ठीक है, सेम बालों और सीमेंट मिली होती है और ईंटों का भी ये होता है। तो ये हमारे दीवार पे ये दीवार का टेक्सचर है, ठीक है। तो ये हमारे टेक्सचर कहलाते हैं। तो इन टेक्सचर के माध्यम से चित्र में एक और सुंदरता प्रतीत होने लगती है। कैसे सुंदरता प्रतीत होने लगती है कि जब हम कोई भी चित्र को चित्रित करते हैं तो उसमें टेक्सचर का भी होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बिना उस टेक्सचर के माध्यम से आप कोई भी चीज को नहीं दिखा सकते। जैसे मनुष्य को हम दिखा रहे हैं, मनुष्य को चित्रित कर रहे हैं, जानवर को चित्रित कर रहे हैं, या लकड़ी को चित्रित कर रहे हैं, या पत्थर को चित्रित कर रहे हैं, या हम कोई भी एक ऐसी सीन को तैयार कर रहे हैं जहां पर हम देखते हैं कि पत्थर भी है, पेड़ पौधे भी हैं, घास भी है, मनुष्य भी है, और आसमान में हवाएं भी हैं, ठीक है। तो इन हवाओं के माध्यम, देखिए हवाएं जब चलती हैं तो उसमें भी एक टेक्सचर होता है। कैसा टेक्सचर होता है? हवा स्मूथली होती है, हवाओं में जो कण जो मिलते हैं और मिलने के बाद में जो हवाओं के साथ में उड़ते हैं, तो वो भी हमें एक टेक्सचर के माध्यम से एक आंधी का प्रतीत होता है जब तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है। अगर तेजी से हवा चलती रहेगी तो आपको वो हवा दिखेगी नहीं, आप हवा को एहसास करेंगे। जब हवा को एहसास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हवा चल रही है, ठीक है। वहीं पर अगर उन हवाओं के साथ में मिट्टी के कण, कुछ लकड़ी के तत्व, कुछ बालू के तत्व, ये सब आपस में मिलकर हवा में उड़ने लगते हैं, जब उड़ने लगते हैं तो उसको हमें पता चलता है कि हवाएं कितनी तेज बह रही हैं और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं उन हवाओं के साथ में उड़कर टेक्सचर हमें फील कराते हैं। चित्रकार जो होता है, चित्रकार क्या करता है, अपनी कल्पना के आधार पर पिक्चर को तैयार करता है, अपनी कल्पना के आधार पर उसमें रंग भरता है, अपनी कल्पना के आधार पर उसमें सोच विचार और क्या कहते हैं लयात्मकता, कोमलता और सुंदरता। तो ये सब भाव जो हैं उसमें डालता है। जब डालता है तो उस भाव में क्या होता है कि पिक्चर में जब कोई भी व्यक्ति उसे सुंदर तरीके से खड़े होकर उसमें मग्न मुग्ध होकर उस चीज को लगातार लगातार देखता जाता है और एक जगह पे खड़े होकर उसके बारे में सोचता है कि आखिर में ये तस्वीर क्या कहती है, और ये जब तस्वीर जब कहती है वो किनके माध्यम से कहती है और वो क्या कहना चाहती है, समाज को एक मैसेज देना चाहती है। तो जब हम उस तस्वीर को जब देखेंगे तो उसमें हमें रंगों के माध्यम से हमें उसकी व्याख्या अपने आप पता चलने लगेगी कि ये पिक्चर क्या कह रही है, ये तस्वीर क्या कहना चाहती है, हमसे ये बात क्या कह रही है। तो जब आप लगातार उस पिक्चर को देखेंगे तो वो आपको पूर्ण रूप से वो तस्वीर आपसे सारी बातें कह देगी और उस पिक्चर में जो भी चीजें होंगी वो आप आसानी से रंगों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से उसे समझ लेंगे। जब समझ लेंगे तो आप वहां पे लगातार वहीं पे खड़े रहेंगे कि ये पिक्चर हमारे जीवन से संबंधित है और लोगों को मैसेज दे रही है कि जीवन को किस माध्यम में जीने का तरीका सिखा रही है। और जब किस माध्यम में तस्वीर हमें जीवन सीखने के तरीके हमें जो बता रही है उसे लोगों को हम किस हिसाब से मैसेज दें। आपने देखा होगा शायद जब कोई प्रचार शिष्टाचार
जो होता है, जैसे कि कोरोना का प्रचार, जो कोरोना आया था 2020 में, जो शुरू हुआ था 2020 में कोरोना, तो बहुत सारे लोग कोरोना का वो चीज नहीं समझ पा रहे कि कोरोना क्या था, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, तो वो चीज को नहीं समझ पा रही थी कोरोना क्या, कौन सा वायरस है और ये कैसा दिखता है और किस हिसाब से ये लोगों पे अटैक करता है। तो यहीं पर चित्रकला के माध्यम से, किसके माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से कोरोना के वायरस का प्रचार किया गया, कोरोना को बनाया गया कि ये कोरोना है, ठीक है। तो जब ये बनाया गया कोरोना है, कि कोरोना जो लोगों पे कैसे अटैक करता है और कोरोना का रूप आकार क्या है, वो हमने पिक्चर के माध्यम से हमें देखने के लिए मिला। जब पिक्चर के माध्यम से देखने के लिए मिला तो यहां पर सभी लोग, बूढ़े बच्चे, हर तरीके के लोग यहां पे समझने लगे थे कि हाँ, कि ये कोरोना का चित्र है और कोरोना ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने आपको एक एग्जांपल में छोटा सा मैंने दिया कोरोना का, ठीक है। ये कोरोना का जो मैंने आपको एक चित्र जो ड्रॉ किया, तो इस चित्र के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे कोरोना का पिक्चर कैसी होती है, किस हिसाब से ये हमें दिखता है, वो समाज में हमने पिक्चर के माध्यम से हमें जागरूक किया गया। और वो जागरूक करने का भी तरीका हमारा पिक्चर के माध्यम से हर चीज को दिखाते हैं, चाहे वो हमारे समाज में लड़ाई हो, चाहे दंगा हो। तो पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में हमारे पास में कैमरा नहीं हुआ करते थे, ठीक है। जब हमारे पास में कैमरा नहीं हुआ करते थे तो हमें समाज को खबर देनी रहती थी। जब खबर देनी रहती थी तो वहां पे क्या करते थे, जो अच्छे चित्रकार हुआ करते थे, सदियों वर्ष की पहले की बात मैं बता रहा हूं, तो वहां पे चित्रकार पहुंचकर लाइव चित्र को चित्रित करता था। जैसे वहां पे पहुंचकर उसने लाइव अपने पेपर पे चित्र को चित्रित किया, चित्रित करने के बाद में उसमें दिखाया कि हाँ, लड़ाई हुई है यहाँ पे, इस हिसाब से दंगा हुआ यहाँ पे, इस हिसाब से उसको मारा गया। वो कलाकार उसको अपने माइंड में कैप्चर कर लेता था। जब कलाकार अपने माइंड में जब कैप्चर कर लेता था, तो वहां पे कुछ लाइनों को वहां पे लाइव पहुंचकर उसको ड्रॉ करता था स्पीड में। जब स्पीड में ड्रॉ करता था तो वही आपको वहां पे लोगों के बीच में खबर देता था। जब खबर पहुंचती थी कि हाँ, कि आज हमारे फला स्पॉट पे, फला जगह पर ये हमारी घटना घटी है और ये घटना घटने का ये हमारे पास में लोगों को मैसेज देना है, वो चित्रकार उस चित्र की जरिए से मैसेज पहुंचाता था कि फला जगह पे ये घटना घटी। तो यहां पर चित्रकार का बहुत बड़ा योगदान रहता था पहले, कि चित्रकला के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे, चित्रकला के माध्यम से लोगों को मैसेज पहुंचाते थे। तो ये हमारे जीवन में कला का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कला एक हमारा तकनीकी वेबसाइट भी है, और जो कला है वो जीवन की बहुत बड़े पहलू का एक मुकाम है। चाहे हम कोई भी चीज को ले लीजिए, हम परीक्षा में भी हम पढ़ते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, कला की सहायता लेनी पड़ती है। कला के माध्यम से पढ़ना भी पड़ता है, कला के माध्यम से हम उस चीज को किस हिसाब से अपने माइंड को बैठाएं और उसको शांत रखें, और जब हम शांत रखेंगे तभी हम उस चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसे माइंड में अपने बैठा सकते हैं। तो ये सब कलाओं के अनेक रूप हैं, और जो कलाओं के अनेक रूप हैं वो हर व्यक्ति में कला को दी गई है। काम सूत्र के आधार पर देखा जाए, काम सूत्र के आधार पर 64 प्रकार की कलाएं हैं, ठीक है। 64 प्रकार की जो कलाएं हैं, यशोधर पंडित जी ने वात्स्यायन में लिखा है जयमंगला में, कि
64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया था। और वो 64 प्रकार की कलाओं का जब उल्लेख किया गया था तो चित्रकला 64 नंबर पे रखी गई थी। कितने नंबर पे रखी गई थी? 64 नंबर पे कला रखी गई थी। और उन 64 नंबर पे कला के बाद में जितनी कलाएं आती हैं वो हर व्यक्ति के पास में ईश्वर ने प्रदान की हैं। वो किस किस रूप में दी है व्यक्ति को, वो व्यक्ति अपनी कला को खुद पहचानता है और खुद वो अपनी कला को निकालता है और समाज को दिखाता है। और समाज को जब दिखाता है तो अपनी जो हमारे जो ईश्वर ने जो कला जो मुझे दी है और उस कला का भरपूर हम आनंद लेते हैं और आनंद के साथ में जीवन को जीते हैं, ये हमारी कला कहती है। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। फिर हम आपको कल मिलेंगे नए तथ्यों के साथ में, जो कुछ अभी हमारे तथ्य छूटे हुए हैं और उन तथ्यों के साथ में हम चर्चा करेंगे और डिटेल से उसकी व्याख्या करेंगे और एग्जाम्पल के साथ में हम चित्र को चित्रित करके और उसको हम बताएंगे और आपको आसानी भी होगी समझने में और आनंद के साथ में, खुशी और उल्लास के साथ में फिर हम आपसे कल की वीडियो में मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी। सभी को नमस्कार।